मेरा नाम विक्रांत कुमार हुआ। कितना दिन से आप खा रहे हैं यहाँ पे? हो गया दो ढाई साल। दो ढाई साल से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। अभी हम आए हुए हैं कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड से थोड़ा सा आगे बढ़ने पे। इस जगह का क्या नाम हो गया, प्रॉपर एक एड्रेस बता दीजिए। सेंट्रल बैंक के सामने हुआ। सेंट्रल बैंक के सामने टेम्पो स्टैंड से आगे आने पे तो अभी हम एक होटल में आए जिसका नाम है वैशाली होटल। अभी इनके दुकान का बैनर नहीं लगा हुआ है तो अभी हम जानते हैं इस भैया से कि कितना दिन से दुकान चला रहे हैं और क्या क्या बेचते हैं। तो पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमरदीप कुमार हुआ। कितना दिन से आप दुकान चला रहे हैं? दुकान तो 3 साल से चला रहा है। भेज और नॉन वेज दोनों बेचते हैं? पहले नॉन वेज नहीं बेचते थे, पहले सिर्फ भेज बेचते थे, अब नॉन वेज चालू किया। तो नॉन वेज कितना दिन से चालू किए हैं? ये 1 महीना से चालू किया। नॉन वेज में क्या क्या बेचते हैं? तो अभी मछली है, मटन और अंडा करी है और चिकन है। तो भेज में क्या क्या बेचते हैं वो भी एक बार बता दीजिए। भेज में चावल, दाल, सब्जी, भुंजिया है, रोटी है, अंडा का सलाद है, दही है, दूध है। तो भेज का एक थाली का कितना, भेज थाली का कितना प्राइस होता है? 40 रुपया। एक बार दिखा दीजिए भेज में क्या क्या है। सो ये हो गया चावल और एक किस चीज का सब्जी? आलू, आलू बंदा सोयाबीन, आलू बंदा गोभी और सोयाबीन। इसके अलावा दाल हो गया सर, ये वाला हो गया दाल जी, और उसके बाद अचार सब रहता है। ये वाला आलू का भुजिया हो गया। और एक बार नॉनवेज में दिखा दीजिएगा यहाँ पे क्या बन रहा है, एक बार दिखा दीजिए। चिकन है सर, मछली है। मछली है, एक बार चला के दिखा दीजिएगा। कौन सा मछली है बोला? ये रेहू मछली होगा सर। रेहू मछली, इसका प्लेट कैसे होता है? ये 90 रुपये प्लेट है सर, 2 पीस मछली चावल, 2 पीस मछली और चावल 90 रुपये जी। ठीक, रोहू मछली हो गया, इसमें क्या बनना है? चावल का, चावल के लिए। कितना चावल बन जाता होगा एक दिन में? एक दिन में 5 किलो। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं यहाँ पे इनका मछली अभी बन ही रहा है। इसके अलावा अभी आपको चिकन और मटन इनका दिखाते हैं, तो एक बार अंदर आ जाइए। तो आपका मटन और चिकन किधर है वो एक बार दिखा दीजिए। सो दोस्तों आज मंगलवार, इस वजह से आज मटन नहीं बना है, तो अभी आप इनका चिकन देख सकते हैं। चिकन कितना बना है? चिकन 1 kg सर, 1 kg चिकन मंगल, मंगल है इस वजह से। इसके अलावा अंडा भी है जी, अंडा दिखा दीजिएगा। चिकन का कैसे प्लेट होता है? कितना पीस चिकन? 2 पीस चिकन, 1 प्लेट चावल। सो दोस्तों अभी देख सकते हैं इस दुकान में आपको चिकन, मछली, अंडा तीनों मिलता है। वेज खाना और नॉन वेज खाना के अलावा आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा में दही भी मिलता है, जो कि बहुत सारे आपको दुकान में नहीं मिलता होगा। सिर्फ वेज खाना और नॉन वेज खाना मिलता है। तो दही आप कैसे बेचते हैं, और किलो पे मिलता है या फिर ऐसे ही? 100 ग्राम भी मिलता है और किलो के हिसाब से। खुद से जमाते हैं? हाँ, खुद से जमाते हैं। कितना केजी बेचते होंगे एक दिन में? अभी तो फिलहाल 8 से 10 kg बेच लेते हैं। डेली 8 से 10 kg निकल जाता है? तो ये आप इसको वजन करके देते हैं ना? वजन करके देते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पे आपको मैंने दिखाया कि वेज खाना, नॉन वेज खाना और इसके अलावा दही भी मिलता है, क्योंकि गर्मी आ चुका है, गर्मी में पेट को ठंडा रखने के लिए दही भी लोग मांगते होंगे। अभी डिमांड होगा दही का, दही का भी डिमांड है। सो दोस्तों अभी जैसे यहाँ पे कुछ भैया लोग खा रहे हैं जो कि वेज खाना खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले वेज ही बिकता था, अभी कुछ दिन पहले से नॉन वेज चालू किया है, तो आप लोग यहाँ पे आके खा सकते हैं। नॉन वेज खाना भी इनका काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो भैया से पूछते हैं कितना दिन से खा रहे हैं, इनका नाम क्या है, पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुख्तार रहमान है। कितना दिन से आप खा रहे हैं यहाँ पे? मेरा 2 महीना हो गया है। 2 महीना से? अच्छा लगता है खाना? खाना ठीक लगता है। तो दोस्तों कस्टमर का भी जो है, कस्टमर का जो है रिस्पांस पॉजिटिव है। इसके बाद दूसरे भैया उनसे पूछते हैं, भैया आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजीव खान है। कैसा लगता है आपको यहाँ का खाना? खाना बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसके अलावा एक और भैया, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या खा रहे हैं। तो भैया अभी जो है वो मछली खा रहे हैं, पहले अपना नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम विक्रांत कुमार हुआ। कितना दिन से आप खा रहे हैं यहाँ पे? हो गया दो ढाई साल। दो ढाई साल से? ज्यादा पहले खाना खाते थे, अभी इधर थोड़ा सा बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, तो इसलिए आते हैं खाने के लिए। सो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है, भैया दो भैया उधर पे सादा खाना खा रहे हो, एक भैया यहाँ पे मछली वाला खाना खा रहे, मछली खा रहे नॉन वेज, तो काफी ज्यादा यहाँ का बेहतरीन खाना होता है। तो अभी अपने लिए एक प्लेट लगवाते हैं, वो आपको खा करके आपको बताते हैं। सो दोस्तों अभी हमारे यहाँ पे थाली लग चुका है चिकन चावल का, जो कि 90 रुपीज का है। 90 रुपया में आपको 2 पीस चिकन का मिलता है, साथ ही प्याज मिलेगा जो कि मैंडेटरी है, बिना प्याज का तो बहुत लोग खाते भी नहीं, और साथ में चावल मिलेगा। तो अभी आपको हम इसका टेस्ट बताते हैं खा करके कि कैसा लगता है, क्योंकि पहले वेज खाना बेचते थे, अभी नॉन वेज खाना बेचना चालू किए हैं, तो आप लोग यहाँ पे आके खा सकते हैं। तो पीस का साइज भी आप देख सकते हैं, पीस का साइज भी काफी ज्यादा अच्छा है। तो अभी एक टेस्ट आपको करके बताते हैं इसका, थोड़ा सा बाइट लेते हैं। चिकन भी काफी अच्छा से गल चुका है जो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ग्रेवी लेते हैं और चिकन खा करके आपको बताते हैं कि कैसा लग रहा है। इसको यहाँ पे ले
सो दोस्तों इनका चिकन का भी टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा है, तो आप यहाँ पे आके खा सकते हैं। ज्यादा प्राइस नहीं, 90 रुपीज का थाली है, 40 रुपया में आपको सादा खाना मिलता है। तो इस जगह का जो एड्रेस है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहां से आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं। और काफी अच्छा से खिलाते हैं क्योंकि हाल ही में चालू किए हैं, तो आप यहाँ पे आके खा सकते हैं। बाद में किस खाना को यहाँ पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।